अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब साथियों। यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाइट के बारे में। तो दोस्तों वहाँ कुवैत के जो DGCA ने कहा है कि जितनी भी फ्लाइटें वहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आ रही हैं या फिर जा रही हैं उनमें कोई भी फ्लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी परेशानियाँ नहीं हो रही। तो बहुत ही आसान तरीके से पहले जैसे नॉर्मल तरीके से फ्लाइट उड़ान भरती थी और फ्लाइट आना जाना होता था दोस्तों, उस तरह से फ्लाइट वहां पे आना जाना हो रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी किसी पैसेंजर को या फिर किसी लोगों को वहां पे परेशानी नहीं हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने पहले वहां पे वर्कर वहां लोग काम करते थे, जो भी वहां पे वर्कर थे जो रिपेयर वो काम करने वाले वो ज़्यादा भी फिलहाल अभी नहीं है। 30 से 40% वर्कर वहाँ पे काम कर ले क्योंकि दोस्तों पूरा 100% वर्कर को वहाँ पे काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। अब साथियों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वंदे भारत मिशन के तहत दोस्तों आज 3 फ्लाइट आज जा चुकी है और दोस्तों फिर अगले दिन भी 3 फ्लाइट कल भी 3 फ्लाइट वहाँ से कुवैत से इंडिया वापस आने वाली है। तो साथियों इसमें आपको बताने आपको बता दूं यदि आप कुवैत में रहते हो, यदि चाहे वो आप कुवैती नागरिक हो या फिर एक्सपर्ट हो, मतलब यदि आप किसी और देश से ताल्लुक रखते हो वहाँ पे कुवैत में यदि आप काम करते हो, तो यदि आप अपने देश जाना चाहते हो तो आपको PCR सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। PCR सर्टिफिकेट उस जगह का होना चाहिए जहाँ पर मान्यता दी गई, जिसे मान्यता दी गई। यदि उस जगह से आपका नहीं होगा तो PCR सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं दिया जाएगा। प्लस आपको उस 72 घंटे के अंदर का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको कुवैत के एयरपोर्ट में आपको एंट्री मिलेगा या फिर कोई भी काम वहाँ पर आप कर सकते हैं जाके। तो साथियों ये बहुत ही ये बात को आपको ध्यान देना है। और दोस्तों वहाँ पर कुछ नियम कानून और बताए गए हैं कि यदि आप प्लेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको जितना सामान ले जाने का ऑर्डर मिला है उतना ही आपको ले जाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं ले जाना। यदि उससे ज़्यादा आप ले जाते हैं तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पर आपको परेशानियाँ हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों बात दूसरी खबर की और बात करें दोस्तों कर्फ्यू के बारे में, तो दोस्तों कुवैत में बहुत ही जल्दी कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ने क्लियर कह दिया है कि जो कुवैत में जो कर्फ्यू चल रहा था दोस्तों इतने महीनों से बहुत जगह हटा दिया गया, बहुत जगह चल रहा था। दोस्तों आपको बता 31 अगस्त के बाद जितनी जगह कर्फ्यू लगाया गया था सारा कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, बिल्कुल पहले के जैसा नॉर्मल हो जाएगा। पर शादी वगैरह जो फ्यूनरल वगैरह होता है, पार्टीज वगैरह होता है, वो सब पे अभी भी बैन रहेगा। वहां पे शादी वगैरह पार्टी वगैरह यो कोई भी चीज का पार्टी वगैरह वहां अभी भी कुवैत में नहीं किया जाएगा। तो साथियों यदि आप किसी भी एरिया में कर्फ्यू में यदि फंसे हैं तो आप दोस्तों आप कर्फ्यू से आज़ादी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो कुछ शेयर थी मैंने आप तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते साथियों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो को लेकर, नेक्स्ट कुवैत की जानकारी को लेकर। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मिलते साथियों।